यस भाई देखिए, हमने आपको बताया था कि आप जो आपका जो पेपर है वो तीन भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से? नंबर वन कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन पार्ट। सेकंड पार्ट ग्रामर रिलेटेड पार्ट, जो कुछ बड़ा होता है। एंड थर्ड पार्ट है हमारा कंपोजिशन का, जिसको हम डिस्कस करेंगे लेटर। देखिए, फर्स्ट पार्ट कंप्रिहेंशन पार्ट ये कंप्लीटेड एंड यू हैव प्रैक्टिस देयर लॉट, आई हैव चेक योर होमवर्क आल्सो, यू हैव डन वेरी गुड, काफी अच्छा किया है तुमने। थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई है, वो आपकी प्रैक्टिस से आपकी दूर हो जाएगी। हमारा कंप्रिहेंशन वर्क कंप्लीट हो चुका है, हमारा पार्ट होमवर्क है। देखिए, ग्रामर पार्ट ये लास्ट पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट है ग्रामर का, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स करने। बट बिफोर गोइंग टू द अवर स्पेसिफिक टॉपिक्स, वी हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ग्रामर। अभी बेसिक्स क्या है? बेसिक्स देखिए, जब तक हमें कुछ बातों का पता नहीं चलता, हम अपने सेंटेंस में, जैसे मैंने तुम्हें बताया था सेंटेंस के बारे में, बताया व्हाट इज सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने बताया था आपको। तो जब सेंटेंस हम बनाते हैं, सेंटेंस हम लिखते हैं, सेंटेंस के जो प्रकार हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस किससे मिलकर बना है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। सो जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, आखिर हम वर्ड्स को कैसे क्लासिफाई करें? जब तक हम ये नहीं जानेंगे, इसका बेसिक नहीं जानेंगे, तब तक हम ग्रामर में आगे नहीं जा पाएंगे और बुक को भी हम ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम कुछ बेसिक चीज इस ग्रामर में भी लेते हैं, और उस बेसिक चीज में जो पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या होता है? स्पीच का मतलब वैसे भाषण होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस तो होता है भाषण। इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो अंग हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। आखिर एक सेंटेंस कैसे बन रहा है, उसमें कौन कौन से जो हम जो वर्ड्स काम में ले रहे हैं, हाउ कैन वी क्लासिफाई देम इनटू सम स्पेसिफिक कैटेगरीज, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, बिफोर आई गो टू द स्पेसिफिक नेम्स, आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लेते हैं एक सेंटेंस लेते हैं, बट अलास द टू ब्यूटीफुल गर्ल्स हैड गोन होम विदाउट आर। जरा ध्यान से देखिए, इट्स अ सेंटेंस फ्रॉम हियर टू देयर, इट्स अ सेंटेंस एंड इट हैज डिफरेंट वर्ड्स, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द रोल्स ऑफ द वर्ड्स, किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस शब्द को क्या कह सकते हैं। जब इसे क्लासिफाई करना सीख जाएंगे, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी सीख जाएंगे। अब इसे कितने एक वाक्य में कितने ऐसे आइटम हैं जो उसको बनाते हैं, मैक्सिमम कितने आइटम हो सकते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इफ वी कंसीडर दिस सेंटेंस, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, देन देखिए, बट वन अलास, टू डी, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ इलेवन पार्ट्स, इलेवन वर्ड्स। हम उन्हें क्लासिफाई करने को देखिए, बट मैं आपको लेटर स्पेस उनको क्लैरिफाई करूंगा, बट तो हम कहेंगे कंजंक्शन, कि जोड़ने वाला शब्द है कंजंक्शन। अलास इट एक्सप्रेस सम सरप्राइज, सम सॉरो, सम हैप्पीनेस। अलास ये कहलाता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन दी भी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, टू आपने पढ़ा होगा डिटरमिनर्स, ये डिटरमिनर, ब्यूटीफुल ये क्या है, इस विशेषता देखकर बता रहा। तो जो विशेषता बता रहा उसे क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव गर्ल्स नाउन, हैड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, गॉन मेन वर्ब, होम एडवर्ब, विदाउट व्हाट वी कैन कॉल इट, विदाउट प्रीपोजिशन,
एंड हैव पिना। देखिए ये कितने पार्ट्स हो गए, 11 पार्ट्स हो गए, और 11 पार्ट्स को हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। ये स्पेसिफिक नेम जो हमने दिया है, जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम बेसिक्स को समझ जाएंगे, कौन सा वर्ड किस क्लास से बिलोंग करता है, और यही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 पार्ट्स हुए, ये 11 पार्ट्स हुए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी हम 11 पार्ट्स का स्टडी करेंगे। कहेंगे कोई कहता है 7 पार्ट्स होते, कोई कहता है 9 पार्ट्स होते, नो, हम वी विल स्टडी कंप्लीटली, वी विल स्टडी ऑल द 11 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सो दैट वी कैन क्लियर एवरीथिंग। तो ये 11 पार्ट्स हम कंसीडर करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक रोल रखता है तो ये निश्चित नहीं है कि वो हर सेंटेंस में वो ही रोल रखेगा, उसके रोल उसके प्रयोग के आधार पर बदलते रहते हैं। और वो कैसे बदलते हैं, आप एक एग्जाम्पल से सुनिए। देखिए मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं, फर्स्ट दे अराइव सून आफ्टर, दे अराइव सून आफ्टर, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस They arrived soon after us. और थर्ड सेंटेंस They arrived soon after we had left. अभी तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, और यहां पर आफ्टर वर्ड को जरा ध्यान से देखिए। इन फर्स्ट सेंटेंस दे अराइव सून आफ्टर, आफ्टर का प्रयोग होता वर्ब के बाद हुआ, तो जो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा, वर्ब के बाद इसका प्रयोग हो रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा, क्या कह रहा था एडवर्ब, यहां पर तो आफ्टर क्या हुआ एडवर्ब। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए जरा, दे अराइव सून आफ्टर अस, यहां पर ये इसकी पोजिशन को डिफाइन कर रहा है, क्या कर रहा है उसको बता रहा है, पोजिशन को बता रहा है। तो यहां पर आफ्टर का रोल हुआ ट्रांजिशन का, या प्रीपोजिशन। और जरा यहां देखिए, दे अराइव्ड सून आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहां पर ये दो सेंटेंसों को जोड़ता है आफ्टर, यहां पर ये हुआ कंजंक्शन। तो ए वर्ड कैन चेंज इट पोजिशन अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, किसी भी शब्द की स्थिति उसके प्रयोग के अनुसार बदलती रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। कोई भी शब्द ना तो कोई स्पेसिफिक मीनिंग रखता है, ना ही कोई स्पेसिफिक स्टेटस रखता है। हर शब्द का मीनिंग भी चेंज होता रहता है, उसका स्टेटस भी चेंज होता रहता है। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 8 मिनट हो गए, अच्छा 1 मिनट। अब देखिए इसका थोड़ा बेस हम जब क्लियर कर लिया, तो हमारे जो 11 पार्ट्स हैं हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और हमारा पहला पार्ट होगा नाउन का। ये नाउन का जो पार्ट है हम आपको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप अपने इंग्लिश की बुक का कोई भी एक चैप्टर लेंगे, और उस चैप्टर में कोई एक पैराग्राफ लेंगे, और जरा उसमें से आप 2, 4, 5 सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और उनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करके थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्या आप कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, जो कुछ आप जानते हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, मैं उनको चेक करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इट्स ओके,